एक्चुअली तो सेम थ्योरी मदर टेरेसा स्कूल जो अच्छा तो के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। जैसे कि कक्षा 9th और 10th को मैं संस्कृत अध्ययन करा रहा हूं, संस्कृत अध्ययन में स्वर संधि और व्यंजन संधि के सारे भेद करा के अब विषय संधि चालू हुआ। विषय संधि में भी दो तीन भेद आप करा दिया। आज मैं सब को विषय संधि के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि शत्रु विसर्ग संधि कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, विसर्ग के बाद में यदि पहले पंचअंग में विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद में चय या छ आ जाए तो उस विसर्ग क्या हो जाता है, संकर वाला स्वर हो जाता है। दूसरा, पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए और उसके बाद में तो रेखा आ जाए तो उसमें उस परिस्थिति में विसर्ग क्या हो जाता है, षटकोण वाला स्वर होता है। तीसरा, पहले पद के अंत में विसर्ग के बाद में पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए उसके बाद में तो या का आ जाए उस परिस्थिति में विसर्ग को क्या हो जाता है, विसर्ग वाला स हो जाता है। जैसे ग्रीक में बता देता हूं, पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए प्लस कर दिया च या छ आ जाए, ठीक है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, संकर वाला स हो जाएगा, ठीक है। कब, जब पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए उसके बाद में च या छ। दूसरा बात, पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए प्लस कर दिया तो या था, पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए उसके बाद में तो या था आ जाए, तो ऐसे परिस्थिति में इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। तीसरा, पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए प्लस कर दे तो या था आ जाए, ठीक है, तो या था आ जाए, तो ऐसे परिस्थिति में इस विसर्ग को सर्प वाला स हो जाएगा। तीन स्तर पे ये बदलेंगे, एक संकर वाले स, दूसरा षटकोण वाले स और तीसरा सर्प वाले स। तीनों को बदलने की परिस्थितियां बता देंगे कि विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, छ छ आए तब तो वो विसर्ग संकर वाले स में बदलेगा, दूसरा विसर्ग के बाद में ट या ठ आए तो वो विसर्ग षटकोण वाले स में बदलेगा, तीसरा विसर्ग के बाद में ट या ठ आए तो वो विसर्ग सर्प वाले स में बदलेंगे। कहने का मतलब कि विसर्ग बदलेगा स में, लेकिन शर्त है कि वो कौन से स्व में बदलेगा। स्व तीन प्रकार के हमारे उपयोग में लिए जाते हैं हमारे द्वारा, सर्व संकर वाला स्व, षटकोण वाला स्व और सर्व वाला स्व। कंफ्यूजन ये होती है कि हम इसको किस स्व में बदले, तो इसके लिए बात ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में क्या है, छ या छ आए तो उसको संकर वाले स्व में बदलना है, त या ठ आए विसर्ग के बाद में तो षटकोण वाले स्व में बदलना है, और ट या ठ आ जाए विसर्ग के बाद में उसको सर्प वाले स में बदलना है। जैसे मैं उदाहरण आपको करके बता रहा हूं, पहले कक्षा 9 से उदाहरण करके बता रहा हूं। नंबर 1 दिया हुआ है क प्लस चि, ये दिया हुआ पहला उदाहरण को अच्छे, ये पहला पद है दूसरा, यानी कि पहले पद के अंत में क्या है, विसर्ग आ रहा है, प्लस करके च वर्ण आ गया, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, च वर्ण आ गया। तो अब कहिए मैं कि पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए उसके बाद में च आ जाए, यानी कि च आ जाए, तो ये विसर्ग किस में बदलता है, संकर वाले स में बदल जाता है। इसको हम संकर वाले स में बदल दिए। अब क क्या का विसर्ग था, वहां पे हम संकर वाले स लिख दिए प्लस च, ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, ये श आ रहा है तो आ रहा लिख देंगे और बन जाएगा कश, समझ में आया। दूसरा उदाहरण आपको करके बता रहा हूं, उदाहरण नंबर 2, जैसे ये पहला करा दिया दूसरा, धनु प्लस कंकारा, धनु प्लस कंकारा, ठीक है, ये पहला पद ये दूसरा। अब याद रखिए पहले पद के अंत में क्या आ गया, विसर्ग आ गया, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ गया, ट, पहले पद के अंत में विसर्ग आ गया दूसरे पद की शुरुआत में ट आ गया, तो अपन ये देखिए पहले पद के अंत में विसर्ग है और फिर ट या ट में से कुछ किया जाए तो उस परिस्थिति में ये विसर्ग किस में बदलता है, षटकोण वाले स्व में बदलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे हम क्या कर देंगे, षटकोण वाले स लिख देंगे प्लस टंकार, ये हो गया। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो धा धानु श आया तो आधा स लिख देंगे टंकार, तो ये बन जाएगा धनुष टंकार, इस प्रकार से बन गया। तीसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 3, अब देखिए कक्षा 10 से पहला उदाहरण करा रहा, ठीक है, मन प्लस ताप, मन प्लस ताप, पहला पद दूसरा पद, यहाँ विसर्ग आ गया प्लस करके क्या आ गया, तो आ गया विसर्ग आ गया प्लस करके तो आ गया,
आपके यहाँ पे हम विसर्ग को सर्ग पहले सौ करते हैं, तो विसर्ग को हटा करके यहाँ पे सर्ग पहले सौ प्लस था, अब इनको जोड़ेंगे तो मनस था। इस प्रकार से मैं आपको एक एक उदाहरण करके बताया, पहले तो समझाया विसर्ग संधि के बारे में, सब तो विसर्ग संधि के बारे में, शब्द विसर्ग संधि क्या परिभाषा बताए, यहाँ पे लिखा था उसको संक्षिप्त में करके भी आपको समझाया, संक्षिप्त में भी समझाया, उसके बाद एक एक उदाहरण आपको करके बताए, बाकी जो उदाहरण बच गए हैं वो आपको स्वयं अपने आप घर पे बैठ करके देखना है और इन नियमों का अनुसरण करते हुए कक्षा 9 और कक्षा 10 को बचे हुए अपने अपने उदाहरण हल करना है। आज के लिए इतना ही।